क्या रे धनिया साला ऑडिशन देने आए क्या? अपुन भी ऑडिशन देगा, सिलेक्शन होएगा, मैं कसम। क्या रे आनंद मानिकपुरी भैया और तुषार, ये दोनों जन के हमने इंटरव्यू आप दिखाए हैं, लेकिन कॉमेडी करा थे सराई फिल्म में और ये फिल्म के लीड हीरोइन बोला अच्छे तरीके से जानता, लेकिन आज हम गोर बात करबो और उखर मन में का कुछ चला थे ये फिल्म वाला लेके, काबर की पहली बार बड़े पर्दा में फिल्म आते तो कहीं ना कहीं कुछ मन में चलत रही थे, तो का कुछ मन में चला थे वही लजाने पर हमार मेहमान मन से गोर बात करथन और सबसे पहली स्वागत करथन। तो आप दोनों जन के बहुत बहुत स्वागत है। जय जोहार। जय जोहार। सीजी नरेश चैनल के जम्मू दर्शक मन ला राम राम और जय जोहार भैया नमस्कार जी। सबसे पहले ये बताओ आप मन हा, आप मन के किरदार ला हमन हल्का फुल्का ट्रेलर के माध्यम से देखे, कैसे अंदर से फील होते और का कुछ खुशी है और आस पड़ोस गांव परिवार घर वाले मन बता कैसे वो मन अनुभव करते थे कि आप मन के फिल्म बड़े पर्दा में आवत है, जो कि हर एक कलाकार के सपना होते कि ओकर फिल्म 75 mm बोलते कि 72 mm बोलते वो में दिखा और एक सराहना मिले ओकर काम ला, तो ओकर बारे में बताते सबसे पहले आप। संगवारी हो, सबले पहले तो आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद जो मतलब मिथुन के रूप में स्वीकारे और अतका मया दुलार देव कि आज वही मिथुन है आप मन के आशीर्वाद और हमारे डेडियम शो के दर्शक मन के आशीर्वाद से बड़े पर्दा में आने वाला है, तो ओखर लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो यूट्यूब में आप मन देखे रहे मिथुन ओखर अपडेटेड वर्जन मिली आप मन ला फिल्म में, तो फुल फुल का बोलते एनर्जी के साथ और मिथुन के अपग्रेडेड वर्जन पूरा झोंक दे हूं मैं फिल्म में, मतलब मिथुन हार्ट सिनेमा में 2.0 हां 2.0 मिथुन के अपडेटेड वर्जन देखे थोड़ा उल्टी चलते 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 हल्का। और अनीता मैम आप भी बताओ कैसे लगा थे आपला का कुछ मन में चला थे फिल्म आने वाला है बस कुछ ही दिन बाकी है जी। आप दर्शक मतलब सबको जय जोहार और सीजी नरेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता तो बड़ खुशी होते कि 7 जुलाई को तो मूवी आती सराई और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ मूवी के लिए और नर्वस भी हूँ, कहा कि हमेशा मतलब अपन चुलबुले कैरेक्टर और अलग कैरेक्टर देखत रहा, लेकिन इनमें बहुत ही ज्यादा कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा सिंसियर और बहुत ही अच्छा दिखाए गए है। और मतलब जो मैं जब देखता हूँ ना मतलब खुद लाइक इन हूँ कि मैं वो जी ऐसे लगता है। मतलब पहचान नहीं, हाँ पहचान नहीं बाकी मत, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि अरे यही अनीता है कि जो आज मूवी मार दे, हाँ ऐसे लगते हैं जी जी। और मतलब कैसे आप मन तैयारी कर रहे हो जब पहली बार आप ये फिल्म मिली से आनंद सर बोली सो कि आप ये फिल्म करना है, तो वो खुशी ओकर बाद फिर ओकर तैयारी कैसे आप मन करे हो कि एज अ हीरोइन दिखना है? हाँ तो मैं तो सबसे पहले तो सर से स्क्रिप्ट ले लिए रहे ओकर माँ ओकली मैं नहीं चाहते रहे कि मैं उम्र जाऊँ तो मेरा डायलॉग वगैरह जो भी है दिक्कत आए, और मैं पहले से सब कुछ ला एक तैयारी कर चुके रहे और जेला नहीं याद रही से तेला आनंद सर बाखूबी मतलब पूरा करीस, जे नहीं याद रहे तो तुषार भी रही से जो बड़े आर्टिस्ट है जन पहुंचे रही से तेन सब मतलब बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही से। मिथुन भाई आपका कहना चाहो कैसे आप मन तैयारी करे हो और एक मिथुन जो यूट्यूब में देखा जा रही से वो मिथुन ला अब सिनेमा में दिखना है, हाँ। तो ओकर पर तैयारी कैसे करना चाहिए वो मिथुन ला? पहले तो सर ही मोला मिथुन के रूप में पहचानी जी, काबर की ऑडिशन भी शुरुआत ऑडिशन में मिथुन बन के ही कर रहे हो, ऑडिशन देल गए रहे हो ना नरेश भैया जी, तो मोला स्क्रिप्ट दे रही से, हाँ। स्क्रिप्ट के एक को लाइन नहीं बोले का है, मैं सर ला देखे तो मैं नर्वस हो गया, खबर की सर के वीडियो वगैरह देखे और सामने में देखे और पहली बार में मतलब कोई ला ऐसे देखे रहो यूट्यूब से बाहर सामने रूबरू, पहले ऑडिशन वगैरह के लिए फॉर्म हम भरे स्क्रिप्ट दे रही स्क्रिप्ट ना देखे ब्लैंक हो गए भुला गए सब कुछ दिमाग कोरा हो गया कोरा हो गए और कैमरा वैमरा देख के तो फड़फड़ा गए, हां तन बोली से ठीक है कोई बात नहीं होते कि ते का कर सस के था मैं कि हम बोला मिमिक्री करता हूं मिमिक्री आते पहले करके बता कि मोर कैसे रही से ऑडिशन वाले हैं क्या रे धनिया
सल ऑडिशन देने आए क्या? अपन भी ऑडिशन देगा, सिलेक्शन होएगा, मैं कसम क्या रे सर ला पसंद आ गए तो सर है ना मतलब फिर वो सगा करके एक वीडियो बने है सगा उसका तीन पार्ट है तो सगा थ्री में ना मैं अनीता के साथ ही मोर पहला वीडियो एडीएम शो में अब आज फिल्म भी बना थे तो एडीएम सर अनीता और मैं तीनों जन एक साथ फिर बड़े पर्दम भी आते क्या बात एक क्या साथ बात। तो अतका सुधर आप मन की स्टोरी है और अतका आप मन के जर्नी है जिन शुरुआत नीचे से लेकर उठ के आज बड़े पर्दा में दिखने वाला तो ऊपर बार आपका मेहनत बार और आपके जो परिवार जन सपोर्ट करते हैं ऊपर बार आप सब लोग बधाई और जो वो मन सपोर्ट करे तेन मतलब भी बहुत तारीफ के काबिल है जिन मन सपोर्ट करी से जी कैसे देखा तो आप मन कहाँ रहने वाला हो जब फिल्म लगी था रायपुर में रहना है कि बिलासपुर में तो हमन पूरा टीम हमन प्रभात टॉकीज में मिलबो 7 तारीख को तो सरई देखे पहुंचो और हमन लग खूब सारा आशीर्वाद दो प्यार दो अपन पहुंचो है ना हाँ। और कुछ शूटिंग के दौरान में कोई यूनिक बात है कुछ खास कैसे टाइप के अपन शूटिंग कर रहे हो शूटिंग तो खैर एकदम मतलब सुबह सुबह हुआ है जी 4 बजे 5 बजे इसे उठ के हमन करे हन और जंगल में शूटिंग हुआ है तो जंगल में आसपास कुछ रह भी नहीं रहा है तो जो भी संसाधन हमन यहाँ से एक बार लेके चले गए सिटी से तो उही में हमन ला सब चीज करना है। अच्छा ये मैं सस्पेंस थ्रिलर भी दिखाया जाता है सस्पेंस कुछ हॉरर भी दिखाए जाते हैं तो कभी जंगल में शूटिंग के दौरान ऐसे तो नहीं है कोई भूत आ गए तो शूटिंग मत करिए मतलब डरावा थे नहीं नहीं लेकिन थोड़ा से का है ना वो अब काम ला करत करत वैसे हो जाते माहौल पूरा बढ़िया है पूरा फील हो तो हम ना थोड़ा देखबे करन आजू बाजू कुछ सही में हम थोड़े से है के जंगली जानवर के डर रहा है जी। अच्छा तो उती बार का चीज आते बरहावन आते शेर आते काय कोई आए बार तो कोनो नहीं समझ गए तो कौन आई लेकिन जंगल वाली जंगल डर लगते बाकी बहुत अच्छा से होई से और मेन ये हो गई से हमार मेन मुसीबत चुनौती ये हो गई कि हमार जो मेन डीओपी जो हमार कैमरा जो ऑपरेट करते हैं हमार वासु भैया तुषार भैया जो एडीएम सर के छोटे भाई है वो खर हाथ हो गई से फ्रैक्चर गिर गई तो अब उखर बाद शूट के लिए फिर दिक्कत जान लगी से तने डिपेंड भैया थोड़ा संभालीस लेकिन बाद में वासु भैया ही ना ये प्लास्टर लगे हाथ में मूवी ला शूट करे है। अच्छा तो एक वो भी है वो भी एक संघर्ष हाँ। आप मतलब देखे बार मिली कि अच्छा होए बाद ही अपन जुनून अपन काम हाँ। के प्रति इतना जुनून दिखा रही सही है जी आप क्या कहना चाहोगे मूवी है तो इतना अच्छा बने हैं कि देखे जाओ तो आप मतलब समझ में ही और सबसे पहले तो खाना पीने की व्यवस्था इतना अच्छा घर के खाना मिले भाई मैं अपन मतलब दिल खुश हो जाए अरे दादा ये बने का ऐसे घर वाला खाना मिलत रही तो पेट बढ़िया रहते ना खाना पीना बढ़िया रहते ना तो एक्टिंग तो अंदर ही निकलत रहते कब जाना है कब पहुंचना है ऐसे टाइम टू टाइम ऐसे नहीं रहे हमारा शूटिंग टाइम में कि खाना वाला खत्म मतलब खाना बाद में खाबो शूटिंग हुई पहले खाना खा लें ओकर बाद शूटिंग हुई ऐसे तो सर हमन के पूरा तबियत के बहुत ही ज्यादा केयर करे है और सब ला टाइम टू टाइम जैसे होना है वैसे ही लेवत जात्री से बहुत ही मजा है हमारा पूरा शूटिंग टाइम और बहुत मजा है बहुत मजा है और हंसी मजाक तो हमारा बहुत ज्यादा हो है तो एक आध ऐसे कोई डायलॉग है जिन आप बताना चाहो दर्शक ला थोड़ा बहुत और ओकर बाद हमारे जाते जाते विदा लेबो और 7 तारीख के सबको जाना न्योता देबो और वो अपन अंदाज में न्योता गलो देना है और कुछ ऐसे यूनिक अगर और है डायलॉग तो वो भी सुना दो मोर जब एंट्री सीन देखे हो ट्रेलर में तो एक गली में हो थे वो शूट है तो शूटिंग भी से पहले ही दिन के हर शूट हुआ तो जो मैं एंट्री सीन होते ना ते मेरा मैं बोले होने तेरे नाम का सूरा पालू साले तो वो गली में ना ना लड़का मन खेलत रहा ना संगवारी हो तो पूरा लड़का मन पूरा मो डायलॉग ला रट डरे रहा अच्छा तो लड़का मन तेरे नाम का ये पालू तेरे नाम का बोल और वो मन पीछे से बोले भैया और ऐसे भी लगते कि जब ये पिक्चर लगी जब तक हम देखी हाँ। तो कहीं ना कहीं ये डायलॉग ला अपन दिनचर्या में शामिल करी ऐसे लगत हां मोला भी ऐसे लगत काबर के नाम का ये पालू तेरे नाम का वो पालू तेरे नाम का सब्सक्राइबर पालू ओए सोए और सीजी नरेस के नाम का सब्सक्राइबर पालू इसी तो संगारी वो ऐसे हो है किस्सा और मैं डायलॉग डिलीवरी करत रहा हूं तो कोई लड़का लड़का मन मोर डायलॉग ला बोले तो मोला ऐसे लगिस कि हाँ भाई ये फिल्म हम थोड़ा अच्छा करे हन कनेक्ट होते के पब्लिक कनेक्ट होते तो आप मन जरूर देखो संगवारी 7 जुलाई तो 7 जुलाई के देखे जाला जन बुलाऊ मैं तो अपन यही बोलूं कि हर लड़की चाहते कि अपन शादी माँ बाप की पसंद से हो तो बस मोर मूवी में ऐसे है कि मोर माँ बाप की पसंद से मोर शादी हो
मतलब ऐसे रोल है ऐसे रोल है कि मोर का ही लड़का मिलना हाँ मोर पसंद से लड़का नहीं हुआ, मोर पिताजी के पसंद से हुई। और तो बस कहीं ना कहीं एक सामाजिक संदेश दे कुछ इस तरह से कि आजकल समय में परिवर्तन हो गया कि लड़का लड़की जब एक दूसरे से प्यार करते हैं तो सोचते कि हमन अब एकर अलावा कोई में नहीं पूछन और हम ही मन है शादी कर ले वो सब चीज कर ले तो हमन ऐसे भागे होगे वाला काम नहीं है मन के हुई कहीं ना कहीं परिवार के मतलब परिवार के पसंद के हिसाब से पिताजी के मर्जी के हिसाब से ही मोर बिहाव मोर पिताजी के मर्जी के हिसाब से हुई चाहे मैं कहूँ कती जाऊँ जो भी सोची परिवार वाला ही अच्छा सोची। तो बिल्कुल संगवारी हो आप मन जो ये हम गुड बात करें वो बिल्कुल आप मन अच्छा लगी सोई और आप मन से बार बार निवेदन कर था हम कि पहली बार कोई ऐसा एज ए यूट्यूबर है जिन्हें वो फिल्म लेके आए तो अच्छा प्रयास करे नवा कहानी के ऊपर काम करे और ये फिल्म बखूबी आप मन पसंद आई। मिथुन भाई के कैरेक्टर है और अनीता जी के ऊपर जो कैरेक्टर है जिन्हें हीरोइन बन के एज ए लीड आवा थे वैसे ऊपर एक और फिल्म आने वाला इस साल में आई लेकिन ये पहला ओकर फिल्म है जिन्हें बड़े स्क्रीन में आते तो बिल्कुल आप मतलब जो छोटे से छोटे कलाकार है वो मतलब सपोर्ट करे के आवश्यकता है और सिनेमा हॉल तक पहुँचे का आवश्यकता है। तो बस आप मन के इंतजार रही अगोरा रही जब का भी आप मन के नजदीकी सिनेमा हॉल है वहाँ 7 जुलाई के पहुंचना है सरे देखे बार सरे देखे बार पहुंचना है। तो धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। कैमरामैन अजय भाई के साथ में सीजी नरेश, मिथुन, अनीता के साथ सरे देखे बार पहुंचबो। धन्यवाद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।